नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान आंदोलन 11 महीने पूरे हो चुके हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और किसान आंदोलन से एक बड़ी खबर सामने आई, दुख भरी खबर है। किसान आंदोलन में आज सुबह सुबह 3 महिला किसानों की मौत हो गई। दरअसल 6 महिला किसान एक साथ पंजाब के मानसा जिले में वापसी लौट रही थी अपने घर को। आना जाना लगा रहता किसानों का, एक जत्था आता है दूसरा जत्था जाता है। लेकिन ये 6 महिला किसान भादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से टिकरी बॉर्डर का जो जत्थाबंदी जहां पर लगी हुई है, जहां पर किसानों ने बैरिकेड, पुलिस के बैरिकेड के पास में किसान डटे हुए हैं, वहां टिकरी बॉर्डर से पंजाब जा रही थी और वहां पर 6 महिला किसानों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया। और उस ट्रक चढ़ाने से देखिए 2 महिला किसानों की वहीं पर मौत हो गई और 1 महिला किसान की अस्पताल में जब उसको ले जाया गया तो वहां पर मौत हो गई। और 3 महिला किसान अभी भी जो हैं वो अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। किसान मोर्चे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह सामने आई है। दूसरी एक बड़ी खबर कल शाम को सामने आई, जहां पर सिंगू बॉर्डर पर एक बड़ी घटना हुई है, वो आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई लखीमपुर खीरी से आई है, वो भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि किसानों की बात है। 11 महीने हो चुके हैं किसानों को, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। कम से कम आप लोग जरूर सुनिए। ये आप देखिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया की ट्वीट है, आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया के ट्विटर हैंडल पर भी इस खबर को देख सकते हैं। टिकरी बॉर्डर पर 3 किसानों को कुचला, 3 आंदोलनकारी महिलाओं की ट्रक से कुचलने से मौत। मानसा जिले की रहने वाली थी मृतक महिलाएं, आज घर वापस जाने के लिए निकली थी। डस्ट से भरे तेज ट्रक ने रोन दिया, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो ये सब कुछ चल रहा है। सोचिए कि वो किसान आंदोलन जहां पर लगातार 11 महीने से किसान डटे हुए हैं, क्या ये जो ट्रक चढ़ाया गया है, क्या ये ट्रक से जो है वो कुचल करके 3 महिला किसानों की वहां पर मौत हुई है, क्या वाकई ये जो है वो ड्राइवर की लापरवाही से हुई है, ये ड्राइवर केवल उसकी लापरवाही उसके पीछे है, या कोई इसके पीछे षड्यंत्र है, यह अभी जांच का विषय है। अब इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग डटे हुए हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कोई ट्रक इतनी तेजी से आए यह संभव दिखता नहीं है। लेकिन कैसे जो है, ये तस्वीरें आप देख रही है, तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे वहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब इसको लेकर के राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भारत माता देश की अन्नदाता को कुचल गया, ये क्रूरता और नफरत हमारे देश को खोखला कर रही है, मेरी संवेदनाएं, मेरी शोक संवेदनाएं हैं। यहां पर जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि किस तरह से भारत माता, क्योंकि किसानों से ही देश बनता है, आम व्यक्तियों से ही देश बनता है, आम व्यक्ति ही देश की जो है वो ढांचा है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये क्रूरता और नफरत, क्योंकि जिस तरह से 11 महीने हो गए सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आखिरी जो बातचीत हुई थी, आखिरी जो मीटिंग हुई थी किसानों के साथ में, वो 22 जनवरी को हुई थी। 22 जनवरी से लेकर के अभी तक सरकार और किसानों के बीच में कोई संवाद नहीं हुआ है, कोई बैठक नहीं हुई है। सरकार ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, सरकार ने कह दिया है कि बातचीत के लिए अगर आपको आना है तो आ जाइए, लेकिन हम कानूनों को वापस नहीं लेंगे। जब आपने पहले ही फैसला दे दिया तो फिर बातचीत कैसी। लेकिन किस तरह से सब कुछ हो रहा है और सब कुछ जो है वो ये दिखा रहा है कि सरकार कितनी संवेदनशील है और कितनी सरकार के अंदर संवेदना की जो है वो कमी है, ये सब कुछ जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन एक खबर और आपको दिखाते हैं, जो खबर सामने आई सिंगू बॉर्डर से। सिंगू बॉर्डर को कल रात पर जो है वो स्थिति ऐसी हो गई कि सिंगू बॉर्डर को लेकर के तमाम अफवाहें जो है वो लगातार उड़ने लगी। सिंगू बॉर्डर पर कहा जाने लगा कि वहां पर लाठीचार्ज हो गया है, बाहर से गांव के लोग आ गए हैं, उन्होंने सिंगू बॉर्डर खाली करवाना शुरू कर दिया है, तमाम तरह की अफवाहें जो है उछलनी शुरू हो गई। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, उसकी सच्चाई ये है, ये ट्वीट आप देखिए, फिर उसके बाद उसकी सच्चाई पर बात करते हैं। किसान एकता मोर्चा का ट्वीट है, यह संयोग है या प्रयोग है, सिंगू बॉर्डर पर कल श्याम जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की वह किसान संगठन नहीं बल्कि भाजपा के गुंडे हैं। और एक गोल घेरे में जो है वो आपको व्यक्ति नजर आ रहा है, ये व्यक्ति सिंगू बॉर्डर पर भी नजर आ रहा है, और ये व्यक्ति जो है वो नरेंद्र तोमर को किसानों के जो ये बिल पास किए हैं उसके समर्थन में लेटर दे रहा था, ज्ञापन दे रहे थे। और इसके बाद में यही व्यक्ति जो है वो आपको बीजेपी के सांसद के साथ में भी नजर आ रहा है, चौथी तस्वीर में। दरअसल कल शाम को सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश की गई, और ये जो आपको भीड़ नजर आ रही है, जो गोल घेरे में जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं, ये लोग जो है अपने आप को किसान बता करके सिंगू बॉर्डर पर जा पहुंचे
और कहा गया कि वहां पर लखबीर सिंह जो पंजाब के एक व्यक्ति थे, लखबीर सिंह जिसके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने गुरु ग्रंथ की बेअदबी की है, उसके बाद उसको मार दिया गया। गलत मारा, क्रूर तरीके से मारा, बिल्कुल गलत था। चार निहंगों को उसके लिए गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ये लोग अब वहां पर पहुंच गए कि उस जगह को पवित्र करेंगे, वहां पर हवन करेंगे, वहां पर अरदास की जाएगी, यहां पर जो है वो खालिस्तानी ग्रुप के लोग आ गए हैं, उन लोगों को भगाएंगे यहां से, तमाम बातें कही गई, माहौल खराब करने की कोशिश हुई, पुलिस बड़ी संख्या में तैनात हो गई। ये कल अपडेट जो है वो सिंघू बॉर्डर से आई। इसके साथ में एक बड़ी अपडेट आई है, बड़ी खबर आई है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबर है, जो खबर सामने आई है लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के अंदर जो अधिकारी वहां पर जांच कर रहे थे उनको हटा दिया गया है। सोच करके देखिए, जांच जो है वो कैसे डीरेल करने की कोशिश हो रही है, उस जांच को पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है। आदित्य तिवारी हैं, भास्कर के रिपोर्टर हैं, और इन्होंने लिखा है लखीमपुर हिंसा के 25 दिन बाद में डीएम हटाए गए, महेंद्र बहादुर सिंह नए जिला अधिकारी, साथ में 10 आईएएस, 9 आईपीएस और 29 पीपीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर हुए। तो बड़ी संख्या में जो है वो अधिकारियों को उठा करके यहां से वहां, जो कि आदित्यनाथ की सरकार ने फेंक दिया है। और सोच करके देखिए, जो अधिकारी, ये नीचे तस्वीर आप देखिए, लखीमपुर के डीआईजी के बाद में डीएम भी हटे, इससे पहले डीआईजी को हटा दिया गया था, अब डीएम को भी हटा दिया गया है। ये आईएएस महेंद्र प्रताप सिंह अब नए डीएम हैं, और इनकी जगह पर जो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल है वो हिंसा की जांच कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। अब ये नए डीएम आए हैं, इनकी उम्र भी जो है वो कम है। आप सोच करके देखिए कि क्या ये नए डीएम साहब जो है वो उस गहनता के साथ में जांच कर पाएंगे, और जो पुराने डीएम डीआईजी जो जांच कर रहे थे उनमें क्या दोष था, उनमें क्या कमी थी, उनको क्यों रातों रात हटा दिया गया। जैसे ही वहां पर मामला कुछ शांत होता हुआ दिखाई दिया, वैसे ही मामले को जो है वो रफा दफा करने की शायद जो है कोशिश दिखाई दे रही है। गौरव सिंह सिंगर ने भी ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में आईएएस तबादले, लखीमपुर कांड के बाद में लखीमपुर खीरी के डीएम बदली गए, महेंद्र बहादुर सिंह नए कलेक्टर होंगे, एडी सूडा आलोक सिंह ललितपुर के नए कलेक्टर आयुक्त हुए हैं, चंद्रभूषण त्रिपाठी हमीरपुर के नए डीएम होंगे, अरुण कुमार मऊ के नए कलेक्टर होंगे। तो किस तरह से खास जो चुनिंदा जगह है जो इस पूरे जांच को जो है वो प्रभावित कर सकती है, उनके डीएम एसएसपी एसपी को जो है वो बदल दिया गया है। अब इस जांच में कितना सच सामने आएगा, कितना नहीं आएगा, कैसे पूरी जांच चलेगी, किस किस को जो है वो दोषी बनाया जाएगा। और कल खबर आई भी थी कि दो वहां पर जो है वो किसानों की गिरफ्तारी हुई है, लखीमपुर खीरी में दो किसानों की भी गिरफ्तारी हुई है। वहां पर बताया गया है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं उनके हत्या के अंदर जो है वो इन किसानों का हाथ है, इसलिए दो किसानों की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सोच करके देखिए, सब कुछ क्यों हो रहा है? सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन के अंदर अध्यादेश के जरिए 3 कृषि कानूनों को पास कर दिया अपने बहुमत से, और वहां पर जो है किसानों का फिर पूरे देश भर में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 11 महीने बीत चुके हैं, सरकार के दरवाजे पर, दहलीज पर आकर के किसान बैठ गए, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। सरकार अपने फाटक बंद करके बैठी है, अपने दरवाजे बंद करके बैठी है। तो कैसे सब कुछ हो रहा है, किस तरह से सरकार काम कर रही है, सरकार के काम करने का तरीका क्या है, और कैसे जो है वो 700 से ज्यादा किसानों की अभी तक, उसको शहादत कह लीजिए आप, मृत्यु कह लीजिए, हो चुकी है, जिसमें काफी किसान जो है वो बारिश की वजह से, ठंड की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, वो ट्रक कुचलने की वजह से, वो थार गाड़ी, मंत्री जी के थार गाड़ी के कुचलने की वजह से जो है वो लोग मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार को लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 700 किसानों की मौत हो जाना, 11 महीने से आंदोलन चल रहा, क्या एक लोकतांत्रिक देश में कभी कोई इतिहास में इस बात को यकीन कर पाएगा? क्योंकि सब कुछ जो आज बीत रहा है वो लिखा तो जरूर जा रहा है, इस सरकार का जो बड़ाई है, अच्छाई है, वो भी लिखी जा रही है, और सरकार का जो निकम्मापन है वो भी लिखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, जहां पर मानसा जिले की 3 महिला किसानों की जो है वो मौत हो गई है, ये वाकई दुखदाई है, और कम से कम सरकार का दिल जो है, मोदी सरकार का दिल अब पिघलना चाहिए, और इन कानूनों के ऊपर बात होनी चाहिए, किसानों की जो मांगे हैं, जो वाजिब लगती हैं, उनको मानना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। बहरहाल, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मीडिया के अंदर जो है वो गांजा और गांजे की खबर चल रही है, किसानों की खबर को जो है वो जगह नहीं मिल पा रही है, ना इस पर कोई बहस होगी, ना कोई इस पर डिबेट होगी।
लेकिन आप इस खबर को लोगों तक पहुंचेगी ताकि लोगों तक जो आज घटना हुई है लखीमपुर खीरी के, इससे पहले घटना हुई डीएमएसपी को बदला गया वो खबर, सिंह बॉर्डर की खबर और जो टिकरी बॉर्डर पर हुआ है वो सब कुछ लोगों तक पहुंच सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।